अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल पर आपका टीचर नवीद रऊफ। सब्जेक्ट है फिज़िक्स। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था, दैट वाज द एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस थी, और उन एप्लीकेशंस में चार एप्लीकेशंस बताई थी, जिनमें से हमने सिर्फ पहली एक एप्लीकेशन डिस्कस की थी, दैट वाज आइसोबारिक प्रोसेस। अब उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन की बारी आती है, हम सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। नंबर टू पर है आइसो कोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? अ प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ड्यूरिंग विच वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अ प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ड्यूरिंग विच वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स का एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहे, और इन अदर वर्ड्स देर इज नो चेंज ऑफ वॉल्यूम, द चेंज ऑफ वॉल्यूम इज जीरो। थर्मोडायनेमिक्स का ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहे, या थर्मोडायनेमिक्स का ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान वॉल्यूम चेंज ना हो, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस है क्या? वो प्रोसेस जिसके दौरान वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहे, वॉल्यूम चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रेशर कुकर में किसी चीज़ को हीटअप करते हैं, किसी चीज़ को गर्म करते हैं, तो गर्म करने के नतीजे में क्या होता है, वो चीज़ हीटअप तो हो जाती है, लेकिन चूंकि उसको हमने बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज किया हुआ होता है, तो इस दौरान वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होता। इसी तरह इंडस्ट्रियल लेवल के बहुत सारे बॉयलर्स इस किस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल बॉयलर्स जो होते हैं, वो ज़्यादातर आइसोकोरिक प्रोसेस के प्रिंसिपल पर काम कर रहे होते हैं, कि उसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन की जगह नहीं रखी जाती, सिर्फ सेफ्टी लेवल्स रखे जाते हैं। उससे ये होता है कि ज़रा कम हीट की मदद से चीज़ें जल्दी बॉयल हो जाती हैं, उनका बॉयलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है। ये तो हो गई इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल के आइसोकोरिक प्रोसेस है क्या जिसमें वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहे। इसकी एग्जाम्पल के आप प्रेशर कुकर कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स कह सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू एक्सप्लेन, हमने ये वजाहत करनी है, हाउ दिस प्रोसेस कैन बी कैरीड आउट, ये अमल कंप्लीट कैसे करवाया जा सकता है। आपने एक सिस्टम को आइसोकोरिक प्रोसेस से पास करवाना है, आइसोकोरिक प्रोसेस से गुजारना है, तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस इस सिस्टम में कैसे होगा? ये चीज़ करने के लिए हम सपोज करते हैं एक क्लोज सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, एक ऐसा क्लोज सिलेंडर पिस्टन सिस्टम जिसकी वॉल्स इंसुलेटर हैं, इसके ऊपर रखा हुआ पिस्टन भी इंसुलेटर है, पिस्टन के ऊपर रखे हुए वेट्स भी इंसुलेटर हैं। एक ऐसा क्लोज सिलेंडर पिस्टन सिस्टम जिसकी वॉल्स इंसुलेटर, इसका पिस्टन इंसुलेटर, पिस्टन के ऊपर रखे हुए वेट्स भी इंसुलेटर, और रगड़ से होने वाले हीट के नुकसान को बचाने के लिए हम जो पिस्टन अज्यूम करेंगे फ्रिक्शन लेस होगा। एंड द लास्ट थिंग, इसके अंदर हमने भरी हुई है आइडियल गैस। फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं, ये अमल शुरू करवाने के लिए मैंने अज्यूम किया कि इसको मैंने इस वक्त रखा हुआ है इंसुलेटर जैकेट के ऊपर, मतलब इस वक्त ये जिस स्टेट जिस हालत में मौजूद है, हीट ना तो इस सिस्टम के अंदर जा रही है ना इस सिस्टम के अंदर से निकल रही है, और इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम है प्रेशर V1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1। जहाँ तक बात हुई, अभी आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं हुआ, ये आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं है, दिस इज जस्ट द इनिशियल स्टेट दैट वी आर एज्यूमिंग। अभी हमने जो इनिशियल स्टेट एज्यूम कर ली है, ये वो इनिशियल स्टेट है जिसको हमने अभी एज्यूम किया है, अभी इसके बाद आगे बात चलेगी। इसको मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस सिस्टम को मैंने रख दिया ऑन अ हॉट रिजर्वायर।
इस सिस्टम को मैंने रख दिया एक हॉट रिजर्वायर के ऊपर, और इस हॉट रिजर्वायर के ऊपर रखने के बाद क्योंकि हमने इसे हॉट रिजर्वायर पर रखा, हॉट रिजर्वायर ऐसा बॉडी है जो इसको हीट प्रोवाइड करेगा, तो कुछ हीट इस सिस्टम के अंदर दाखिल होगी डेल्टा क्यू। इस सिस्टम को आइसोकोरिक प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाने के लिए पहला काम ये किया कि मैं इसे थर्मोडायनेमिक्स कर रहा हूँ, तो थर्मोडायनेमिक्स से मुराद फिर पहले मैं इसे हीट तो दे दूँ, तो मैंने इसे हीट दी। हीट देने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया, इसको रख दिया हॉट रिजर्वायर पर। हॉट रिजर्वायर पर आने के बाद जब इस सिस्टम के अंदर हीट दाखिल होगी, अब दाखिल होने के बाद हीट ने जाना कहाँ है, सिस्टम के अंदर आ गई, सिस्टम की बाउंड्री के अंदर हमने भरी दी है आइडियल गैस, तो होगा ये कि इस आइडियल गैस को हीट मिलना शुरू हो जाएगी। जब इस आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी तो ये मॉलिक्यूल्स पहले के मुकाबले में फास्ट हो जाएंगे, पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे। और जब ये मॉलिक्यूल्स पहले के मुकाबले में फास्ट हो गए, पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ हो गए, तो इन मॉलिक्यूल्स के तेज़ होने के नतीजे में एन मुमकिन चांस पॉसिबिलिटी इम्कान ये है कि जब ये मॉलिक्यूल्स फास्ट हो जाएंगे, इनका टकराना बढ़ जाएगा, इनका प्रेशर बढ़ेगा, तो ये पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। लेकिन अगर हमने करवाना है आइसोकोरिक प्रोसेस, इसका मतलब ये है वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, ना वॉल्यूम इंक्रीज़ होना चाहिए, ना वॉल्यूम डिक्रीज़ होना चाहिए, पिस्टन की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। सो फॉर द रीज़न हम इस पिस्टन को अपनी जगह पर फिक्स कर देते हैं, और पिस्टन को अपनी जगह पर फिक्स कर देने का इंतहाई सिंपल और आसान सा तरीका ये है, हम इस पिस्टन को इसकी जगह के ऊपर लॉक कर देते हैं। लॉक कर दिया मतलब विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू लॉक कर देते हैं, लॉकडाउन का ज़माना है, लॉक कर देते हैं। लॉक कर देने का नतीजा ये होगा कि हमने हीट दी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इन अदर वर्ड्स मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने के साथ साथ हमने बाहर से प्रेशर तो चेंज नहीं किया, लेकिन अंदर मॉलिक्यूल्स का तेज़ी से टकराना, मॉलिक्यूल्स जो पहले स्लो टकराते थे अब वो ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे, गैस का जो इंटरनल प्रेशर है वो पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा, पहले था प्रेशर P1, अब वो प्रेशर बढ़कर हो जाएगा P2। हाँ एक चीज़, चूँकि पिस्टन अपनी जगह पर फिक्स है, मूव नहीं कर रहा, तो वॉल्यूम उतने का उतना ही रहेगा जितना पहले था, वॉल्यूम पहले भी V1 था, वॉल्यूम अब भी V1 ही रहेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, इसलिए इसका टेम्परेचर T1 से चेंज होकर T2 हो जाएगा। अब तक की हमारी बातें आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में मुकम्मल हुई। क्या हुआ, आइसोकोरिक वो प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इसकी एग्जांपल है प्रेशर कुकर, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स। एक्सप्लेनेशन, ये काम करवाया कैसे जाता है, हम एक सिस्टम एज्यूम करते हैं, हम उसे रखते हैं हॉट रिजर्वायर पर। हॉट रिजर्वायर सिस्टम को हीट देता है, जिसकी वजह से पहला चेंज इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, दूसरा चेंज पिस्टन को हमने अपनी जगह पर फिक्स कर दिया है, इसलिए मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा तेज़ी से टकराना प्रेशर को बढ़ा देगा। अलबत्ता पिस्टन अपनी जगह पर फिक्स है, इसलिए वॉल्यूम अपनी जगह पर सेम रहेगा, इंटरनल एनर्जी की बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा। दैट्स ऑल अप टू नाउ। अब इसके बाद अगली चीज़ आती है एक्सप्रेशन, हम इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, मतलब जो हमने कंसिडर कर लिया हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसके लिए एक इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम गए कि वो बुनियादी चीज़ जिससे हमने स्टार्ट लिया था, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमें ये पढ़ाता है, बताता है कि अगर आपने क्लोज्ड सिलेंडर पिस्टन सिस्टम लिया हुआ है और फिर इसमें आप हीट प्रोवाइड करते हैं, तो जो हीट आप प्रोवाइड करते हैं वो चेंज हो जानी चाहिए इंटरनल एनर्जी में, एंड प्लस इसको करना चाहिए कुछ वर्क। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये अभी आइसोकोरिक प्रोसेस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मैं सिर्फ अपनी बेसिक प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ से काम करना है। एक्सप्रेशन बनाने के लिए मेरे पास पहला बेसिक रूल ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसकी एप्लीकेशन है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हम क्लोज सिलेंडर पिस्टन सिस्टम को जो हीट प्रोवाइड करते हैं ये एक्सचेंज होती है इंटरनल एनर्जी और करती है वर्क। हेयर इन केस ऑफ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में कुछ चीज़ें रूटीन से हटकर हैं। क्या हटकर हैं,
पहली बात, देयर वॉज नो चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं आया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है. द वर्क डन वॉज गिवन बाय पी डेल्टा वी एंड नाउ इट विल बी पी इंटू ज़ीरो, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा, सो द वर्क डन इज ज़ीरो. सो द वर्क डन इज ज़ीरो. आइसोकोरिक प्रोसेस ये कहता है पिस्टन को तो हमने हिलना ही नहीं देना. फिजिक्स की डेफिनेशन कहती है जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और फोर्स लगने की वजह से बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे, तो इसका मतलब ये है कि वर्क हुआ, काम हुआ. यहाँ पर फोर्स तो लग रही है लेकिन पिस्टन जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा. तो मेरा थियोरेटिकल आंसर और मैथमेटिकल आंसर दोनों एक बात पर मुत्तफिक हो गए कि आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन नहीं होगा. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या करें अब? अब अगर मैं इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन को यहाँ लिखूँ और इसके ऊपर आइसोकोरिक प्रोसेस की डेफिनेशन थ्योरी अप्लाई कर दूँ, तो हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, वी लिखने से मुराद वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो तो आइसोकोरिक प्रोसेस. हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम ड्यूरिंग द आइसोकोरिक प्रोसेस इज कन्वर्टेड इंटू इंटरनल एनर्जी. तो हुआ वर्क डन हटा दिया, क्योंकि वर्क डन क्या है? जीरो. इस इक्वेशन में पुट करते हैं डेल्टा क्यू वी, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? जीरो. सो द फाइनल इक्वेशन रिमेंस डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू. ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशन हमें बताती है अगर आपने आइसोकोरिक प्रोसेस करवाया तो आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान आप जो हीट प्रोवाइड करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में, जैसे यहाँ पर सामने शो कर रहा हूँ. मैं इसे हॉट रिजर्वायर पर रखता हूँ, हीट देता हूँ, हीट अंदर जाती है, वर्क नहीं करती. अगर हीट वर्क नहीं कर रही तो क्या कर रही है? वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की सूरत में सिस्टम के अंदर स्टोर हो रही है. और अगर मैं इसका रिवर्स प्रोसेस करवा दूं, मैं आइसोकोरिक प्रोसेस करवाना चाहता हूं, पिस्टन मैंने लॉक कर दिया, वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर दिया, लेकिन अगर मैं इसे हॉट रिजर्वायर के बजाय कोल्ड रिजर्वायर पर रख दूं, तो वो हीट जो अंदर जा रही थी, लेकिन हीट आई कहां से? हम तो हीट ले रहे हैं, दे नहीं रहे, हीट बाहर निकलवा रहे हैं. तो अब इस सिस्टम के अंदर कहां हीट मौजूद है? ये जो इंटरनल एनर्जी है ये हीट की सूरत में सिस्टम से बाहर रिलीज होने लग जाएगी. तो अगर हीट अप करोगे हीट अंदर जाएगी, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. कूल डाउन करोगे, हीट निकालोगे, तो ये इंटरनल एनर्जी होगी जो हीट की सूरत में रिलीज हो जाएगी और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कमी आ जाएगी. यहाँ तक इसे नोट कर लीजिए, देन वी गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन्स. इतनी सारी डिस्कशन में हमारे कंक्लूजन्स क्या थे, नोट कर लीजिए. कंक्लूजन्स, हमने सारी डिस्कशन से क्या कंक्लूड किया, क्या क्या हमारे बातें नताइज हमारे सामने आए? ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान नंबर वन, वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. आइसोकोरिक प्रोसेस में पहली चीज जो मैन टू बी ऑब्जर्व है कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है. नंबर टू और क्या होता है? और ये होता है नो वर्क इज डन, वर्क नहीं होता आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान, प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं होता. नंबर थ्री, हीट
exchanges only with internal energy. ये जुमला लिखने का मतलब ये है, ये जुमला लिखने का मतलब, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक स्टेटमेंट में हमने डिस्कस किया जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों के साथ एक्सचेंज होती है, लेकिन अब हमने आइसोकोरिक प्रोसेस में ये बात स्पेशली ऑब्जर्व की कि आप आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान जो हीट दोगे दैट एक्सचेंज इज ओनली विद द इंटरनल एनर्जी, नो वर्क इज डन. गॉट माय पॉइंट्स? ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं. जल्दी से नोट कर लीजिएगा. ग्राफ और आइसोकोरिक प्रोसेस, जिस आइसोकोरिक प्रोसेस को हमने थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन किया, जिस आइसोकोरिक प्रोसेस को हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फार्मूले की मदद से एक्सप्लेन किया, अब उसी आइसोकोरिक प्रोसेस को हमने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. चूंकि आइसोकोरिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स का एक प्रोसेस है, तो थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो नॉर्मली ग्राफ यूज़ करते हैं वो दो वेरिएबल्स के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है, एक वॉल्यूम और दूसरा प्रेशर. इस वजह से इस ग्राफ का नाम होता है पीवी डायग्राम. लास्ट टाइम आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने कहा था इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, नाउ दिस टाइम इट इज़ चेंज. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हीट दे रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा. इस वजह से अब जो बात मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ये अब भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट दिस टाइम द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस. दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स आइसोकोरिक प्रोसेस, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स आइसोकोरिक प्रोसेस. ये आइसोकोरिक प्रोसेस है. अगर मैं इसको अल्फाज में बयान करना चाहूं, आई मस्ट राइट पीवी डायग्राम इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस रिप्रेजेंट्स आइसोकोरिक प्रोसेस. अगर हम पीवी डायग्राम में एक कर्व बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, एक ऐसा ग्राफ जो कि पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस हो, नाउ दिस टाइम इट विल बी रिप्रेजेंटिंग आइसोकोरिक प्रोसेस. एक बात हमने लास्ट टाइम की थी, आइसोबारिक प्रोसेस में हम हीट अप भी करते हैं, हम कूल डाउन भी करते हैं. आइसोबारिक प्रोसेस में जहाँ हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं वहाँ पर होता है एक्सपेंशन, वॉल्यूम इंक्रीज, पिस्टन ऊपर जाता है, उसका नाम रखा जाता है आइसोबारिक एक्सपेंशन. और आइसोबारिक प्रोसेस में जहां हम हीट निकलवाते हैं वहां पिस्टन नीचे आता है, वहां होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो उसका नाम रखा जाता है आइसोबारिक कॉन्ट्रैक्शन. दैट वाज आइसोबारिक. नाउ वी आर इन आइसोकोरिक. अब जरा आइसोकोरिक में देखें, मैं हीट देता हूँ, पिस्टन ऊपर तो नहीं जा रहा, ये आइसोकोरिक प्रोसेस जरूर है, बट दिस विल नॉट एग्जीक्यूट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. आइसोबारिक प्रोसेस में एक्सपेंशन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है. आइसोकोरिक में आपको ना तो एक्सपेंशन मिलेगा ना ही कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, क्योंकि आइसोकोरिक के दौरान ना तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज. सो आइसोकोरिक में क्या होता है, सिंपली दो बातें होती हैं, या तो आप हीट देते हैं या आप हीट लेते हैं. सो वी कैन से आइसोकोरिक के दो प्रोसेस हैं, बट दे विल बी टर्म्ड एज आइसोकोरिक हीटिंग, आइसोकोरिक कूलिंग.
आइसोबारिक में जो दो हो रहे हैं उसको कहा जाता है आइसोबारिक एक्सपेंशन, आइसोबारिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोकोरिक में जो दो प्रोसेस हो रहे हैं दे विल बी टर्म्ड एज आइसोकोरिक हीटिंग, आइसोकोरिक कूलिंग। अब मैं इस ग्राफ को देखकर कैसे पहचानूं कि ये आइसोकोरिक का कौन सा है? अपेरेंटली अगर सिर्फ ऐसा ग्राफ नजर आ जाए प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस में, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। लेकिन अगर मैं इसमें पॉइंट्स मेंशन कर देता हूं, इनिशियल पॉइंट डाउनवर्ड है, प्रेशर पी वन, वॉल्यूम वी वन एंड टेम्परेचर टी वन, एंड ऊपर जाकर आता है प्रेशर पी टू, वॉल्यूम वी वन, टेम्परेचर टी टू, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने आइसोकोरिक का वो अमल करवाया है जिसमें प्रेशर इंक्रीज हुआ। और ये प्रेशर इंक्रीज कब होता है? जब हम इसको हीटिंग करवाते हैं। तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस का ऐसा ग्राफ हो जिसमें इनिशियल पॉइंट डाउनवर्ड, फाइनल पॉइंट अपवर्ड हो, या अपवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा दिया जाए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स मेंशन ना किए जाएं, जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा दिया जाए, नाउ दिस मीन्स ये है तो आइसोकोरिक प्रोसेस, लेकिन ये आइसोकोरिक का हीटिंग प्रोसेस कहलाता है, एंड वाइस वर्सा। अब आप ज़रा रिवर्स करें, अगर आपने इसे हीटिंग के बजाय कूलिंग करवाया तो प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, अगर इनिशियल पॉइंट ऊपर आ जाए, मतलब मैं इसको यहाँ थोड़ा सा अलग से छोटा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, इन द आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब अगर ये ऐसा बना दिया जाए, प्रेशर एक्सिस है, वॉल्यूम एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन कम्स डाउन। अगर मैं यू बना दूं, मैंने इनिशियल फाइनल पॉइंट नहीं लिखा, स्ट्रेट लाइन डाउन बना दी, इसका मतलब है तो आइसोकोरिक लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ये उस वक्त डिक्रीज होता है जब आइसोकोरिक का कूलिंग प्रोसेस होगा, जब आइसोकोरिक का कूलिंग प्रोसेस। या अगर मैं इसका इनिशियल पॉइंट अपवर्ड मार्क कर दूं, फाइनल पॉइंट डाउनवर्ड मार्क कर दूं, आई राइट पी वन वी वन टी वन पी टू वी वन टी टू, then in this case we must say this is isochoric cooling process. One last thing, इसके graph के हवाले से, चूँकि ये graph हमें बहुत सारी information देता है, हमने last time एक statement लिखा था, एक बात discuss की थी, I don't know, मुझे याद नहीं कि मैंने उसको statement की सूरत में लिखवाया था या नहीं लिखवाया था। In PV diagram, area under the curve represents pressure volume work. PV diagram में आप जो area under the curve होता है वो आपको कौन सी value देता है? Pressure volume work देता है। अब मैं इसको थोड़ा सा change करता हूँ, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया। इन पीवी डायग्राम फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर आपने पीवी डायग्राम बनाया और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बनाया, एरिया अंडर द कर्व, बेसिक प्रॉपर्टी अपनी जगह मौजूद है, अब भी इसको किससे शो करना चाहिए, किस क्या शो करना चाहिए, वर्क डन, और ये करता भी यही है। बट बात ये है कि आप जो स्पेशल केस में जा रहे हो आइसोकोरिक प्रोसेस, उसमें वर्क तो हो ही नहीं रहा, इसलिए इसकी वैल्यू ली जाती है जीरो। फैक्ट तो यही है, ये अब भी पीवी डायग्राम है, इसमें एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट कर रहा वर्क डन को, लेकिन चूंकि ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्क डन की वैल्यू जीरो है, इसलिए आप एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो जीरो। इन अदर वर्ड्स, आप इस स्ट्रेट लाइन पर जाते हैं, इनिशियल पॉइंट से आपने लाइन ड्रॉ की, फाइनल पॉइंट से लाइन ड्रॉ की, दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पर आई, इज देयर एनी एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व? ये एक ऐसा कर्व है जो एरिया बाउंड नहीं करता, स्ट्रेट लाइन का कोई एरिया नहीं होता, दो लाइंस के दरमियान जो सरफेस कवर होती है उसका एरिया होता है। तो यहां पर अगर वैसे पूछा जाए इन पीवी डायग्राम द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स, आपका जवाब होगा वर्क डन। लेकिन अगर कहा जाए इन पीवी डायग्राम या इन द ग्राफ ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस एरिया अंडर द कर्व, दिस टाइम योर आंसर मस्ट बी जीरो। इट इज ओनली वैलिड फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, या आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसके दौरान एरिया अंडर द कर्व जीरो होता है। हमारी दो एप्लीकेशंस कंप्लीट हुई, पहली आइसोबारिक प्रोसेस की थी, दूसरी एप्लीकेशन आइसोकोरिक प्रोसेस की थी। अभी दो एप्लीकेशंस बाकी हैं, उसे पहले से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए।
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।